उस टाइम अमर शहीद मनीष पटवाल के गांव सोल गांव में जो शौर्य चक्र से सम्मानित हैं, आज उनका शहीद दिवस है। और हमारी टीम पहाड़ों की आवाज़ वॉइस ऑफ माउंटेन पहुँचा है सोल गांव। ये सोल गांव शहीद मनीष पटवाल सड़क आप देख सकते हो, पाली डांगी मोटर मार्ग से स्वयं ग्रामीणों द्वारा अपने संसाधनों जैसे पता हुआ कि आज हम शहीद मनीष पटवाल की स्मृति में आज शहीद दिवस मनाने जा रहे हैं, तो आपने 21 सिखों की कहानी तो सुनी होगी, तो उनके लिए जो फिल्माया गया गीत है, अलवारों पे सलवार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं केसरी रंग हमने ये सिर पे सजाया। इतनी सी है दिल की आरजू तेरे खेतों में लहरावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। थैंक यू। वीर माता छे तू मेरी नारोई, सोची छे जब कभी घर लू तेरा हाथों की रोटी मिखोलू। कहना के क्षेत्र में देश की हित में लोगों ने काम करे और एक तक को बलिदान दी। मनीष जय काम मचाई पीआरओ से जई, वो बहुत सामरिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट रोड छे। मुख्य अतिथि श्री अनुरी जी, विशेष अतिथि कर्नल भैलाल जी और मनीष दिवस पे याद किया जाना, मैं सोचता हूँ कि मेरे कार्य का मेरे लिए सर्टिफिकेट भी है। अपनी बहुत कम उम्र में हर क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मनीष पटवाल। जहाँ तक सवाल है, वो शहीद हुए हैं और जैसा मुझे मालूम है कि प्रकृति ने एक और खेल खेला है। 26 साल के साथ बाद उनके परिवार में दोबारा मनीष जन्म मिल गया है। कहने का मतलब कि मनीष की आत्मा फिर उनके परिवार में जन्म ली है, उनको अपने पुराने जन्म उसकी पूरी यादें हैं। नया मनीष जब बड़ा होगा वो और भी बड़ा काम करे देश के लिए, अपने परिवार के लिए और हम सबको गौरवान्वित करे, ये मेरी उम्मीद है। बहुत अच्छा लगा है इससे ग्रामवासियों में और नज़दीकी क्षेत्रों में कस्बों में ये संदेश जाता है कि शहीदों के प्रति हम कितनी श्रद्धा रखते हैं। नई पीढ़ी के लिए भी एक संदेश है। निश्चित मैं यहाँ पे गत वर्ष आया था जब शहीद मनीष जी की दादी और गांव वालों ने निर्वाचन में वोट न देने का निर्णय लिया था, मैं यहाँ पर आया था, मैंने वार्ता की थी और मेरी बात को गांव वालों ने माना था। ये गांव, इसकी जो स्थिति है बहुत सुंदर है और गांव के ऊपर ही करीब 200 मीटर ऊपर तक जो है सड़क आ चुकी है। मैं आपके माध्यम से यहाँ पे हमारे इसी गांव के मुस्तली गांव के कर्नल साहब हैं थपलियाल जी, जिला पंचायत सदस्य हैं, सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि ब्लॉक के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से इस गांव का सर्वांगीण विकास किया जाए। आधारभूत जो सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं वो सुविधाएँ की जाएँ, यथा पानी और सड़क जो 200 मीटर तक आ गई है, अगर नीचे गांव में भी वो जुड़ जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरी यही शुभकामनाएँ हैं कि हर एक वर्ष जो है इसी प्रकार से स्वर्गीय मनीष जी जो कि शौर्य पदक से सम्मानित किए गए हैं, उनका ये शहीद दिवस मनाया जाए। आप हमेशा समय निकाल लेते हैं। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही निशान है। आज हम एक और शहीद के शहीद दिवस पे यहाँ पे आए हैं, शौर्य चक्र शहीद मनीष पटवा
बहुत कम उम्र में उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जितने भी यहाँ पे संयोजक लोग हैं, मैं उनका आभारी हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, ताकि उनको श्रद्धांजलि के साथ साथ हम लोगों को एक सीख मिले और जो शहीद हुए हैं वो भी जहाँ पर भी हों उनको एक संतुष्टि मिले कि जो उन्होंने बलिदान किया है वो सार्थक हुआ है और उसको पहचान मिली है। विधायक जी और सांसद के माध्यम से भी सड़क के बारे में या तमाम समस्या है उनको रखा अभी तक सांसद विधायक के माध्यम से, आपने कोई पत्राचार कोई ज्ञापन? हाँ, हमने पत्राचार किया है और खुद भी हम उनको तीरथ सिंह जराव जी को मिले हैं और 2017 में अभी हम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से भी मिले थे, उन्होंने भी हमें सम्मानित किया है देहरादून में। जय उत्तराखंड, आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी छे, आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दिनों ते से किस मान।